ये है DTH, इसको रिपेयर करेंगे, इसमें लाइट नहीं आ रहा, यानी सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो ऐसे डिवाइस को रिपेयर करने से पहले, जब भी रिपेयर करें इसको, पहले इसका मेन वायर जो होता है सप्लाई के लिए, उसको चेक करें। तो इस रिपेयरिंग में आपको ऐसा तरीका बताएगा जिसमें आपका पैसा और टाइम दोनों बचने वाला है, और रिपेयरिंग आपको नहीं आता है फिर भी आप इसको रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि पहले अगर इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है तो वायर को चेक करेंगे, और जैसे ही वायर यहाँ पर तक सप्लाई आ रहा है, सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, इसमें नया सप्लाई डाल के चेक करेंगे क्या मेरा सप्लाई का प्रॉब्लम है या फिर कार्ड का। ये उनके लिए है जो मिस्त्री नहीं है, यानी जिनको काम नहीं आता है उनके लिए है। तो इसको पावर सप्लाई डाले इसमें, अगर ऑन हो गया तो पावर सप्लाई को चेंज कर देंगे, और ऑन नहीं हुआ तो इसमें कार्ड को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं सप्लाई लगा के। यह सप्लाई ऊपर से ही रख के इसको सप्लाई देंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये उन्हीं के लिए है जिनको काम नहीं आता है, लेकिन अगर घर पे चाहें तो अपना पैसा बचा सकते हैं। मार्केट में 150 से 200 रुपये इसका लग जाएगा। देखें सप्लाई बिल्कुल ओके है, यानी सप्लाई आ रहा है। अब क्या करेंगे कि यानी प्रॉब्लम आपको मालूम चल गया कि ये पावर सप्लाई सेक्शन का है, तो बस पावर सप्लाई को चेंज करेंगे, यानी जो पुराने वाले है उसको निकाल देंगे, और कुछ नहीं करना होता, दो ही वायर होता है इसमें, दो वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इसको निकाल के रख देते हैं साइड में, और नए वाले को सोल्डिंग करेंगे, और बिल्कुल आपका इजीली रिपेयर हो जाएगा। अगर पावर सप्लाई की प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 60 से 70 रुपये का होल सेल में मिलता है। तो अगर आप इजीली एक पीस ले रहे हैं तभी आपको 80 से 90 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा, और अपने हाथ से रिपेयर करेंगे तो 150 से 200 रुपये आराम से आप बचा सकते हैं। तो देखेंगे बिल्कुल अपना रिपेयर हो चुका है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों। तो ये था अपना फास्ट और इजी रिपेयरिंग का सलूशन, जो कि बहुत ही